we don't compare children. एक ही घर में बर्थ ऑर्डर डिफरेंट एनवायरनमेंट माय ब्रदर गॉट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी एक्सीलेंट एनवायरनमेंट हमने इनइक्वालिटी को हटाना है देन वी आल्सो से दैट वी आर पढ़ाई लिखाई पे कंसंट्रेट करिए जो करना चाहते हैं वो करिए एक स्ट्रांग माइंड जो फैसले होते हैं सो पुट योर फुट डाउन एंड से नो दिस कैन बी मशवरा है तो आपको मशवरा माने ना माने बड़ी इंपॉर्टेंट बेटी हूँ दैट कैन नॉट हैपन ब्रदर इज इक्वली इंपॉर्टेंट में चेंज लाएंगे अपना माइंड सेट चेंज करेंगे अपने बायस को अपने दिमाग से हटाएंगे सी हमने लैंग्वेज चेयरमैन हमने कहा नो दिस इज नॉट फेयर वी हैव टू से चेयरपर्सन क्योंकि सब्जेक्ट एज वुमेन स्टडीज यू रियलाइज दैट एज वुमेन यू ओनली हैव टू असर्ट यू डोंट नीड टू बी आई डिफर विद मैडम रूमा वानी जब उन्होंने कहा टेक प्राइड इन बीइंग अ वुमन मैं चूड़ियां भी पहनती हूँ I'm getting any confusion in the society. We don't want to create any kind of chaos in the society. I'm here to tell you. I also wrote an article and I wrote it in which I wrote it. I wrote it on the phone and wrote it. So, I saw this. I saw the words they used to mean words. So, this is how you learn as a student. This is equally true for boys and girls. But now, why are we giving more stress on girls? हालांकि हम जब रिजल्ट्स देखते हैं मैंने अभी उनको बाहर कहा अपने रिजल्ट्स में लड़कियां आउटशाइन करती हैं वी ऑल अग्री प्रॉबेबली दे आर वेरी हार्ड वर्किंग बाय नेचर लड़के भी होते हैं बट सी वी शुड नॉट सेलिब्रेट ऑफ कोर्स सेलिब्रेटेड एज शी सेड एज एन अचीवमेंट कि गर्ल्स आर डूइंग सो वेल एंड वी फील प्राउड बट एट द बैक ऑफ आवर माइंड ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि जस्ट बिकॉज यू आर गर्ल्स यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ आपको एक्सेल करना है हर एक स्टेज पर आपको दिखाना है दैट यस As a girl or as a woman, I can do it. But बात कर रही होती हूँ तो my daughters tell me, mama आप एक काम करो आप किसी college को phone करके कहो they'll give you some slot to give lectures. Because now you don't teach, so आपका दिल करता है शायद we are bored of your lectures. क्या बोलने? सो नन्ना नमस्कार activity वो हवाई जहाज जाना हो चुका है. आज 8 मार्च है और हर साल की तरह वेमेंस कॉलेज एम ई रोड में भी ये दिन इंटरनेशनल वेमेंस डे के तौर पे मनाया जा रहा है इस दिन की खास अहमियत ये है कि इस दिन हम एक औरत जो है उसकी जो सोशल अचीवमेंट्स है पॉलिटिकल अचीवमेंट्स है इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है या कल्चरल अचीवमेंट्स है उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं हम कुछ टारगेट्स सेट करते हैं और उन टारगेट्स पे फोकस करते हैं कि उन गोल्स और उन टारगेट्स को हम आगे जाके कैसे अचीव करें वो औरतें या वो घर जो अभी भी इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है उनसे मेरी अपील है कि औरत और मर्द या एक बेटा और बेटी समाज के दो अहम पहलू हैं एक दो पहिए हैं तो दोनों की अहमियत एक जैसी है नो डाउट बायोलॉजिकली एक मर्द और एक औरत जो है वो डिफरेंट है लेकिन जहाँ तक उनकी परवरिश का ताल्लुक है या उनकी सोशलाइजेशन जो है वो एक जैसी होनी चाहिए क्यों क्योंकि जब एक बेटा या एक बेटी पैदा होती है तो एज़ पेरेंट हमारे लिए वो बच्चे हैं और जिस तरह हम एक बेटे की परवरिश करते हैं इक्वली हमें उसी तरह एक बेटे की भी परवरिश करनी चाहिए तो सबसे पहली डिस्क्रिपेंसी जो है वो स्टार्ट होती है फैमिली में तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है ये फैमिली में ही स्टार्ट होता है और अगर उस वहाँ पर एक माँ या एक बाप या फैमिली मेम्बर्स को ये एहसास हो कि हमारे लिए जितने बेटा ज़रूरी है उतना ही बेटी भी ज़रूरत है जितने बेटे की नशोनुमा या परवरिश ज़रूरी है उतने ही बेटी की भी परवरिश ज़रूरी है तो ये डिस्क्रिपेंसी स्टार्ट से ख़त्म हो जाएगी